नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है और हमारे साथ जुड़े रहे हैं। हम और हमारे चैनल और हमारी टीम ने मिलकर आप लोगों के घर घर तक सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए शिक्षा का हर एक रूप का जो छोटे छोटे नॉलेज है जो बच्चों को जरूरी है उनको हम देते रहेंगे। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें उन यूनिक चीजों के लिए जो बच्चों को पढ़ाया जाता है। हम लोग बच्चों को पढ़ाने के लिए एक टीम है हम लोगों का और हमारे स्कूल से चलाया जाता है, तो हम बच्चों वाली हर एक चीज इस पे पढ़ाते हैं। तो अभी हम आपको नॉर्मल चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो कि बच्चे को काफी कठिनाई होता है समझने में। आपने देखा होगा बट्टा का जोड़। बट्टा का जोड़ पढ़ने के लिए कहने के लिए कुछ नहीं है, जोड़ है, लेकिन लोगों को समस्या होता है पढ़ने में। तो आज हम बट्टा का जोड़ सिखाएंगे और देखिए मेरे साथ और हम आपको बता रहे हैं। सर्वप्रथम बट्टा का जोड़ का मतलब होता है जोड़ ही होता है। तो देखिए एक तरह चार है बट्टा पांच है प्लस सिक्स है बट्टा दस है। यह क्या हो गया, यह बट्टा का जोड़ हो गया। आप देख पा रहे होंगे क्या है, बट्टा का जोड़ है। तो यह हो गया जोड़, जोड़ हो गया। और देखिए यह हो गया बट्टा का घटाव। यह क्या हो गया, घटाव। और यह क्या हो गया, जोड़। आपको जोड़ और घटाव दोनों की क्लास हम आज देंगे, जोड़ घटाव सिखाते हैं आपको। सर्वप्रथम बट्टा का जोड़ में इस तरह से लिखा रहेगा क्वेश्चन, मेरा सवाल इस तरह होगा। और इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नीचे वाले पोर्शन है दो दस और पांच का जो नीचे वाले बट्टा में जो है बट्टा का जोड़ है, तो बट्टे वाले चीजों को हम क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो आपने एलसीएम जाना है, अगर एलसीएम नहीं जाना है तो हमारे चैनल पर एलसीएम का वीडियो पहले डाला गया है जिसे लॉसो कहते हैं। आप लॉसो पहले सीख लीजिएगा जो बच्चे को लॉसो नहीं आता है। बाकी हम अभी बट्टा का जोड़ का क्लास दे रहे हैं, यहां बट्टा का जोड़ सीखिए। तो नीचे वाला का क्या करेंगे, एलसीएम। तो पांच और दस का क्या किए, एलसीएम। पांच नहीं कटेगा, दो पांच से दस। अब क्या होगा, ये दो से नहीं लगा, कितना से लगेगा, तीन से लगेगा, तीन से भी नहीं लगेगा क्योंकि एलसीएम बट्टा का जोड़ वाले को एलसीएम आती रहती है, इसलिए हम एलसीएम डायरेक्ट लगा रहे हैं। जिसको एलसीएम नहीं आता तो बैक में जाके हमारे वीडियो देख सकते हैं। पांच से लगाइए, पांच एक कन पांच, पांच दुना दस, एलसीएम कितना हो गया, फाइव वन गुने टू बराबर टेन, मतलब एलसीएम मेरा टेन हो गया। तो यहां ऐसे कर देंगे दस एलसीएम, इसको मिटा दो। अब क्या करेंगे, जब मेरा एलसीएम आ गया तो ये देखना कि इससे ये कितने बार में कट रहे हैं, दो पांच फाइव वन जा पढ़ के देखो, पांच फाइव वन जा, इंग्लिश में पढ़ो फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, या हिंदी में पढ़ो पांच एक पांच, पांच दोना दस। तो पांच दोना दस क्या बार में कटा, दो बार में, पांच दूना दो बार में कटा ना, तो वो दो को क्या करेंगे, ऊपर वाले से गुना कर देंगे, पांच दूना दस दो, दो को क्या करेंगे चार से गुना, दो चौका आठ, आठ हो गया। प्लस है तो प्लस का चिन्ह दे देंगे। अब दस कैन में दस के बार में आता है, एक बार में, दस कैन में दस के बार में आता है, दस एक कन दस, टेन वन जा टेन, तो एक को क्या करेंगे सेम उसी तरह ऊपर वाले से गुना, एक छक्के छ बराबर आठ छ चौदह, बट्टा कितना है दस। आंसर हमारा यही हो जाएगा अगर चाहेंगे तो, नहीं तो इस आंसर को कहीं आंसर इस तरह से नहीं मिले तो समझ जाना कि इसको काट दिया है। सात दूना चौदह, पांच दूना दस बराबर सात बट्टा पांच, आंसर बट्टा का जोड़। अब हम बात करते हैं बट्टा की घटाव का। तो घटाव में क्या होता है, सेम प्रोसेस होता है उसके, जो बट्टा में जो क्वेश्चंस का बट्टा में जितना चीज है उसका एलसीएम निकाल देंगे। तो चलिए चलते हैं इधर, एलसीएम करते हैं। अठारह और बारह का एलसीएम, दो से लगाए दो नमा अठारह, दो छक्के बारह, तीन से लगाए तीन तीन नौ, तीन दुना छ। अब हम देखेंगे कैलकुलेशन, तो दो गुने तीन गुने तीन गुने दो बराबर कितना हो गया छत्तीस, इसका एलसीएम कितना हो गया छत्तीस। अब देखिए एलसीएम निकल गया, इसको क्लीन कर दो। अब एलसीएम निकल गया तो हम क्या करेंगे, वही प्रोसेस जो बट्टा के जोड़ में करते हैं सेम प्रोसेस बट्टा के घटाव में भी किया जाता है। अठारह कैन में छत्तीस क्या बार में आएगा, दो बार में, अठारह एक कन अठारह, अठारह दुना छत्तीस, तो दो को क्या करेंगे इस छ से गुना कर देंगे, तो बारह। प्लस है तो प्लस देंगे, नहीं देंगे क्योंकि यहां
बट्टा का घटाव सीख रहे तो यहां माइनस है तो माइनस दे देंगे माइनस। अब देखिए 12 कांड में 36 के बार में आएगा, 12 तिया 36 तीन बार में, तो तीन को क्या करेंगे 10 से गुणा, 10 तिया 30। अब देखिए अब घटाओ में 12 में से 30 घटेगा नहीं घटेगा, हमने घटाओ क्या किया अपोजिट साइड हो गया, उल्टा साइड से घटाएंगे 30 में से 12 घटा दो 18 बटा 36। लेकिन हमने कहा इधर से घटाना था, इधर से घटाया है, उल्टा घटाया तो यहां पर माइनस लग जाएगा और ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों आपने मेरे दो सवाल देखा, तीसरा सवाल है जोड़ का 4 बट्टा 10 प्लस 20 बट्टा 20, नीचे वाला का एलसीएम करेंगे 10 20, दो पंचे 10 दो दाए 20, 5 एकड़ 5 5 दूना 10, 5 दूना 10 दूना 20, एलसीएम कितना हो गया 20। अब 20 एलसीएम हो गया, क्या करेंगे 10 कैंड में 20 कई बार में आता है, दो बार में 10 एकड़ 10 10 गुना 20, तो उस 2 को क्या करेंगे ऊपर वाले से गुना, तो 4 दूना 8 प्लस अदर प्लस 20 का 20 के बार में आता है तो 20 एकन 20, एक बार में 1 को क्या करेंगे 20 से गुना तो 20 एकन 20 28 बटा 20 आंसर। अब क्या करेंगे घटाओ, घटाओ भी एक बताए थे दूसरा घटाओ बता रहे, 7 और 14 का एलसीएम करेगा तो बाबू करके देखना 14 आएगा, 14 लिख देते हैं 14 कांड में 14 कई बार में आता है एक बार में, उस एक को क्या करेंगे 17 से गुना कर देंगे, जितना बार में आएगा उसको ऊपर वाला से गुना कर देंगे, माइनस कितने प्लस यहां माइनस होगा। 7 कांड में 14 कई बार में आएगा दो बार में, तो 7 कांड में 2 बार में आएगा तो 2 को क्या करेंगे ऊपर वाला से गुना, जितना बार में कटेगा 7 कांड में या इस कांड से जितना बार में उतना ऊपर वाला से गुना करेंगे, तो जितना बार 7 कांड में 14 कई बार में आएगा दो बार में, उस 2 को क्या करेंगे उसके ऊपर वाला से गुना करेंगे 2 दूना 4। अब देखो 17 में से 4 गया तो 11 की 12 13 होगा, 13 बटा 14 आंसर। तो ये रहा मेरा बट्टा का घटाओ का क्लास, जोड़ का क्लास, बट्टा का जोड़ बट्टा का घटाओ मैंने आज सिखाया और आप हमारे इस एपिसोड में सीखा। जिन लोगों को जो भी समस्या होता है कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में आप लिख के दें, आपको सॉल्व करके दिया जाएगा और हर सब्जेक्ट की इस पर चढ़ाया जाएगा वीडियो और आप लोग देख सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। अभी मैंने बट्टा का जोड़ बट्टा का घटाओ सिखाया, पिछला वीडियो देख लीजिएगा, एलसीएम सिखाया है, आप एलसीएम भी सीख सकते हैं, सारा कुछ सिखाया जाएगा। धन्यवाद।